Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. वो नहीं खड़े होंगे तो कैसे चलेगा मास्टर जी? रुको रुको सत्या मास्टर। सर नमस्ते। नमस्ते। आप और इतने सारे लोग? हाँ, हम लोग तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करने आए हैं। आइए, अंदर आइए। अरे नहीं नहीं, अंदर जाने की या बैठने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोगों ने अपना फैसला पूरी तरह से ले लिया है। फैसला? हाँ, ये फैसला मेरे अकेले का नहीं, मेरे साथ बलभद्रपुर के तमाम लोग, इसके अलावा आसपास के 3 गांव के लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि आप इस बार विधानसभा के इलेक्शन में हमारे निर्वाचन मंडल की तरफ से एमएलए पद के लिए खड़े होंगे। एमएलए और मैं? आप मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं, ये फैसला हम सभी का है। लेकिन बलवंत राय के रहते हुए मैं? बलवंत राय? अरे उसके तो 5 साल पूरे हो गए, आज तक उसने कौन सा काम किया है? गाँव में एक पक्की सड़क तक नहीं है, अभी तक बिजली नहीं आई है। आपकी वजह से अस्पताल खुला है, आपकी वजह से विद्यालय खुले हैं। मास्टर जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने ये सब किया है। इसके बाद बाकी का जो काम है आप लोगों की मदद से वो भी पूरा हो जाएगा। तभी तो हमने सोचा आपके एमएलए बनने से सब गाँव वालों का फायदा होगा। मैं सब समझ रहा हूँ सर, लेकिन स्कूल छोड़कर मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता, और वैसे भी राजनीति की जो हालत है पार्टी और पॉलिटिक्स के चक्कर में। अरे पार्टी पॉलिटिक्स से हमें क्या लेना, आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े होंगे। लेकिन सर नौकरी से इस्तीफा? ओहो, रिजाइन करने में दिक्कत क्या है? अगर हार गए तो फिर से नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा, मास्टर जी तो साथ में ही हैं। हाँ मैं आपके साथ हूँ, आप किसी बात की परवाह मत कीजिए। हाँ ना, मतलब सर? नहीं नहीं, हाँ ना कुछ भी नहीं, आपको खड़ा होना ही होगा। दे भास्कर, फाइल दे, फाइल दे। साइन कीजिए, साइन कीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। हाँ साइन कीजिए, साइन कीजिए। अरे नियम कानून सब ठीक है तो? हाँ, ठीक है। तो फिर फिकर किस बात की? सुनो, हर चीज का एक कायदा कानून होता है। बेर का पेड़, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो क्या बट वृक्ष हो जाएगा? नहीं, बताओ? नहीं, नहीं। सत्या मास्टर, बकलोल बकलोल साला बड़का बकलोल है। बताओ वो लड़ेगा, वो लड़ेगा। लड़ेगा मतलब लड़ाई शुरू हो गई है, हम लोग अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। हमारे हेडमास्टर और विरोधी दल के नेता समर जी दोनों मिलकर उनसे फॉर्म में साइन करवा रहे थे। पंचायत, विरोधी दल, बताओ कभी के हमारा जयगान करते हैं? नहीं नहीं। हर समय विरोधी दल का जयगान करते हैं बताओ। लेकिन काम के समय किसकी चमचागिरी करते हैं? आपकी। हमारे ना, सुनो, ये बलवंत राय आज भी एमएलए है कि नहीं? है कि नहीं? है जी, है। और कल रहेंगे? रहबे करेंगे। किस प्रकार लड़ा जाता है इलेक्शन? इलेक्शन वो कड़ा कानून हमको मालूम है। शंकर जी, ये नियम कानून सही है ना? बिल्कुल सही है, और ये है हमारे मास्टर जी की पत्नी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। सत्या मास्टर घर पे नहीं है का? नहीं। आप? पराशुराम बलवंत राय, जहाँ पे आप रहती हैं वो निर्वाचन क्षेत्र का एमएलए मतलब विधायक। बहुत समझा के बतियाने की हमारी आदत नहीं ना। सत्या मास्टर आए तो कहना के वो अपने स्कूल के छात्रों को पढ़ाने में मन लगाए। सुनिए, स्कूल में पढ़ाना और राजनीति करना
दोनों ही कार्य अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग काम है। कायदे कानून के झमेले में ना पड़ के अपना नामिनेशन वापस ले ले, समझे? का बोले अपना नामिनेशन वापस ले ले, समझे? और नहीं तो मजबूर होकर कायदा कानून अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा हमको। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। उसको वीर ले। शंकर, अरे शंकर जी। हुजूर। अब कायदा कानून ठीक है। अरे आप ऐसे कैसे जा रहे अंदर? चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए लाइन में लगिए, चलिए भागिए यहाँ से, चलिए चलिए निकलिए। नमस्कार। वर्तमान चुनाव के नतीजे हमारे पास आ गए हैं। नेताजी कंस्टिट्यूएंसी से चिंतामणि दास अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गोवर्धन पाल से 24,208 वोट अधिक पाकर निर्वाचित हुए हैं। चंडीपुर कंस्टिट्यूएंसी से श्री परशुराम बलवंत राय उनके निकटतम प्रतिद्वंदी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री सत्यनारायण दास से 51,910 वोट से परास्त हुए हैं। क्या हो रहा है? सर, सत्यवस्त्र भागिए। अब पुनः मतदान होगा, मतलब बाई इलेक्शन होगा अब। हाँ, कहा कि हमरा आइन कानून सही है। ए, चलो ना।
का विकास करना चाहता था, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं, तो बच्चों को लेकर कहीं चली जाओ, क्योंकि जब उन लोगों को पता चलेगा कि उनके उनके पापा का परशुराम बलवंत राय ने खून किया है, तो फिर वे लोग कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। प्लीज तुम्हें मेरी बात मान लो, तुम्हें मेरी कसम, मेरी मौत का कारण कभी कभी नहीं बताना। शारदा, बच्चों को तुम यशोदा माँ की तरह पालना मत, अगर जरूरत पड़े माँ दुर्गा की तरह उन्हें उनकी तुम रक्षा करना।
कितनी बार मैंने मना किया था, राजनीति मत करो, लेकिन एक बार भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सीता की अग्नि को साक्षी मानकर मैं तुमसे वादा करती हूँ, बच्चों की भलाई के लिए तुम्हारी बात मानकर मैं बच्चों को लेकर इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी, जहां प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की छाया तक उन्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हारी मौत का कारण भी मैं उन लोगों से जिंदगी भर छुपा के रखूंगी। अपनी जी जान लगाकर मैं उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगी। सबका सहारा माँ तू ही, ममता भरी है तेरी मुस्कान, तुझ में दिखे तुझ में दिखे। बोरे रुक, अरे रुक रुक, सारी रुक जा, जल्दी करो, उठो, चलो जल्दी भाग। कहाँ गई? ओए ओए, अरे रुक, हाथ कहाँ गई? क्या हुआ तुझे? चलो चल यहाँ से। दरवाजा खोलिए ना। क्या हुआ लक्ष्मी? जरा देखो तो इसे क्या हुआ है? अरे ये तो पेट से है, इसको पकड़ो। चलो अंदर ले चलो, चलो मैं ले जा रहा हूँ। लक्ष्मी तुम इसे उस कमरे में ले जाओ, मैं इनको देखता हूँ। पूछ लो। चलो खाओ, और तुम भी खाओ। जय माता रानी। सुनते हो? है? जल्दी उठो। क्या हुआ? क्या करूं बताओ तो? वो औरत भी नहीं है और उसके बच्चे भी नहीं है। ये क्या? आ जाओ बेटा, चलो हाँ यहाँ रखो, बैठो बेटा। ये क्या है? ये मेडल मुझे इनाम में मिला है। ओह सच में?
मेडल तो मुझे मिला है, लेकिन इसकी हकदार तुम हो। मैं? इस मेडल को हमेशा अपने साथ रखना। सोने का मेडल ही पहनो, सोने का चेन तो कभी दे नहीं पाया। अगर ये तुम्हारे गले में रहेगा तो मैं समझूंगा कि मैंने तुम्हें सोने का लॉकेट दिया है। अजू, तुम्हारा भैया कहाँ है? बीजू, अजू बीजू कहाँ है? खाली चोरी करके भाग रहा है साले। बीजू क्या हुआ, इसे मार क्यों रहे हैं? पावरोटी चोरी कर रहा था ये। बच्चा है, अनजाने में गलती हो गई होगी। बच्चा है हाँ? खुद तो भीख मांगने चली जाओगी और बच्चों को चोरी करने भेज दूंगी। ना ये चोर है और ना मैं भिखारी। भिखारी नहीं हो तो पैसे दे दो ना। नहीं बेटा, पालन पोषण अगर कर नहीं पा रहे तो पैदा ही क्यों किया। सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मेरे पास पैसे नहीं है। ये सोने का मेडल है, इसे रख के मुझे पाव रोटी दो और बाकी के पैसे भी। देखूं? अरे ये तो सोना नहीं, पीतल है। पीतल है? किसने तुमसे कहा कि ये सोना है? ये पीतल है, इसे सिर्फ एक। ए! ये पीतल है? जब है ये पीतल है? अबे अकेली औरत को देख के ठगने चला है साले। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम मुझे नहीं पहचानता, एक औरत को ठग रहा है और ठगेगा। बोल और ठगेगा, चल साले निकल यहाँ से, स्टेशन को बदनाम कर रहा है। ये लो लो, क्या चाहिए बताओ? पाव रोटी। पाव रोटी ना, आओ आओ मेरे साथ। हाँ आओ आओ, क्या चाहिए क्या चाहिए? कौन सी चाहिए कौन सी चाहिए कौन सी? ये वाला कौन सी चाहिए बताओ? ये बैठो, हाँ बैठो बैठो, हाँ कौन सी बोलो बोलो बोलो, ये वाला। लो लो बैठो बैठो बैठो, लो लो पकड़ो पकड़ो, बैठो लो लो पकड़ो। और ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, लो पकड़ो। हाँ ये लो खा लो। मुझे सिर्फ नहीं, पानी। खाली पेट नहीं, कुछ खा लो, मैं पानी देता हूँ। लो। एक बात सोच रहा था, सोने का मेडल देकर एक पाव रोटी ले रही थी, इन छोटे बच्चों को लेकर तुम यहाँ अकेली, क्या हुआ है? आपसे मैं क्या कहूँ, सुनकर क्या करेंगे? तुम्हारा जीवन तो काफी दर्द से गुजरा है, देखो रोने से नहीं चलेगा। तुम रो मत, तुम्हें रोता देख मुझे भी रोना आता है। मैं बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं रोया, क्योंकि इस दुनिया में मेरे माँ बाप कोई नहीं है। ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के लोगों के दिए हुए टुकड़ों पर पल के ये निताई बड़ा हुआ है। वो लोग तो इस निताई के कोई नहीं थे, तो फिर आज से तुम्हें दीदी कह के बुलाऊंगा। बुलाओ ना। हाँ, तो फिर आज से तुम मेरी दीदी। हाँ आओ आओ आओ। क्या हुआ, चलने में तकलीफ हो रही है क्या? अरे ये मेरा शाही रास्ता है। रोते नहीं, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। यहाँ पे खड़े हो जाओ। रुको रुको, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, इधर आओ बेटा, ठीक है मैं खोल देता हूँ। इधर आओ मेरे पास। रुको रुको, मैं सीढ़ी को उतार देता हूँ। समझी दीदी, ये है निताई का फ्लैट। हाँ ये कमरा खाली है, वो कमरा खाली है, तुम जो भी कहोगी खोल के साफ करवा दूंगा। इसका मतलब तुम? तुम नो, तुम तू 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 यहाँ रहता है? हाँ देखो दीदी, इस शहर में टीन के घर हैं, बांस के घर हैं, टाली के घर हैं, मिट्टी के घर हैं, छोपर पट्टी है ऐसा फ्लैट बस एक लौता ये है। देखो दीदी, तुम्हारा कोई बंदोबस्त होने तक तुम यहीं रहोगी, इसी फ्लैट में बस। अरे भाई एक चाय पिलाना। सर नमस्ते। नमस्ते सर। अरे तू? हाँ। तू यहाँ? हाँ। ट्रेन से उतर कर पूरे प्लेटफॉर्म पर तुझे ढूंढता रहा पर तू नहीं मिला, सोचा कि तू कहीं चला गया। मैं भला कहाँ जाऊंगा सर, ये दुकान ही मेरा सब कुछ है, देखिए कैसे चमक रही है। वाह ब्यूटीफुल, क्यों रे आखिर तुझे इतना माल मिला कहाँ से? क्या बात कर रहे हैं सर, माल नहीं
मेरी दीदी के हाथों का कमाल है। तेरी दीदी? हाँ। तेरी दीदी कहाँ से टपक पड़ी? समझे सर, दीदी के आने के बाद से ही मेरे दुकान का धंधा धड़ाधड़ बढ़ने लगा है। पीकर देखिए, समझ जाएंगे। वाह, चाय तो बड़ी टेस्टी बनी है। दीदी ने बनाई है। निताई? दीदी आई है। लाओ दीदी, लाओ। दीदी, ये जतिन साहब हैं, जतिन चट्टराज। नमस्ते। हमारे शहर के बहुत बड़े आदमी हैं ये। मैं चलती हूँ। हाँ। एक छोटी सी अर्जी थी सर। आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने सारे कारोबार संभालते हैं, मेरी दीदी को कोई काम दिला दे दे तो। बेचारी बहुत दुखियारी है, कम उम्र में विधवा हो गई है, 3-3 बच्चे हैं इनके, थोड़ी मदद कर दे दे तो। हाँ ठीक है, तू इन्हें लेकर ऑफिस में आ, कुछ ना कुछ एक बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, डोंट वरी यार। हाँ हाँ, चाहे कितने भी लोग आ जाएं, आई विल एकोमोडेट, आई स्वेयर बाबा। सर, नमस्ते सर। बैठते क्यों नहीं? नमस्ते। अरे भाई। नमस्ते। हाँ नमस्कार, बैठो बैठो। अच्छा 10 मिनट बाद फोन करता हूँ, ओके। हाँ भाई जी, तुम्हारी दीदी की नौकरी पक्की हो गई, रिसेप्शनिस्ट का जॉब। अच्छी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? रिसेप्शनिस्ट के जॉब में आपका ये विधवा का वेश? नहीं नहीं, मैं आपको सिंदूर पहनने के लिए नहीं कह रहा, मतलब सफेद साड़ी छोड़कर, आई मीन रंगीन साड़ी, मतलब स्मार्ट ग्लैमरस, इज इट पॉसिबल? सोच क्या रही है सारदा, ना जाने तुझे और कितनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने के लिए ये छोटा सा त्याग तो तुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूँ। मैडम, जतिन सर ने आपको 204 नंबर कमरे में बुलाया है, आप मिल के आइए। अच्छा ठीक है। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, आपसे बात करनी है। मुझे जरा एस्प्रे देना। लीजिए सर। हाँ रख दो। ये क्या कर रहे हैं सर, छोड़िए। आप गत गत थक गया मैं, स्मार्ट ग्लैमर सब दिख रही हो, होटल की नौकरी में, तुम्हें होटल के मैनेजर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। छोड़िए मुझे, कोऑपरेट करना पड़ेगा। छोड़िए मुझे, कोऑपरेट, छोड़ मुझे, मेरे पास छोड़, कम ऑन। ए, रुको रुको जतिन, जिसको तुमने नौकरी दी उसी का सत्यानाश करना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गेट आउट, आई से गेट आउट। नहीं सर, मेरी वजह से आप किसी को मत निकालिए, मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटी, तुम क्यों जाओगी, निताई से मैंने सारी बात सुन ली है, आओ मेरे साथ आओ। नहीं रोते, शांत। ये घर की चाबी लो। नहीं रोते। लो, और तुम मत रो बेटी, रो रो के खुद को कमजोर मत बनाओ, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं चलता हूँ निताई, मैं चलता हूँ, नमस्ते। बहुत भले इंसान है। अरे खड़ी क्यों हो दीदी, अंदर चलो। अरे रोते नहीं बेटे, रोते नहीं। अरे मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। निताई, सर ने इतना बड़ा घर दे दिया हम लोगों को रहने के लिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ। समझी दीदी, इस दुनिया में चाहे कितने बुरे लोग हों, लेकिन कुछ अच्छे इंसान भी हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया टिकी है। चलो खाने का इंतजाम करो, बच्चे रो रहे हैं, कुछ खाने को दो, मैं उधर का सारा काम देख लेता हूँ, तुम जाओ। हाँ।
हाँ, अब से मैं कभी नहीं रोऊंगी। तुम्हारे तीनों बच्चों को मैं अपनी आखिरी दम तक उनकी माँ बनकर, उनका बाप बनकर उन्हें पालूंगी, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। माँ तेरी देखी दुनिया, उंगली पकड़ के सीखा चलना। आँखों से माँ तेरी देखी दुनिया, उंगली पकड़ के सीखा चलना। गोद में तेरी स्वर्ग बसा, बाहों में लेके तूने प्यार किया। माँ से बाधा ये परिवार, माँ के बिना सुना संसार। पाला पोसा हमें तूने ही, तूने ही दिया दूला। ममता भरी है तेरी तुझमें दिखे, तुझमें दिखे, तुझमें दिखे हमें भगवान। तुझमें दिखे, तुझमें दिखे, तुझमें दिखे हमें भगवान। से बड़ा ना कोई अपना, जग में नहीं कुछ तेरे बिना। माँ से बड़ा ना कोई अपना, जग में नहीं कुछ तेरे बिना। चल में तेरे प्यार ही प्यार, आँखों में सारा संसार। जन्म दिया हमें तूने, जीना सिखाया माँ तूने। घर का उजाला माँ तू ही, सबका सहारा माँ तू ही। ममता भरी है तेरी मुस्कान, तुझमें दिखे, तुझमें दिखे, तुझमें दिखे, तुझमें दिखे, तुझमें दिखे हमें भगवान। तुझमें दिखे, तुझमें दिखे, तुझमें दिखे हमें भगवान। तुमसे ही है माँ घर की शान, तेरे आंचल तले सारा जहां। तुमसे ही है माँ
घर की शान, तेरे आंचल तले सारा जहां। कैसे कहे माँ तुझसे ओ सबसे अलग प्यारी, सबसे तेरी ही पूजा करेंगे, अब न किसी से डरेंगे। जितने भी दुनिया जले यूं ही संग संग हम तो रहेंगे। ममता भरी है तेरी मुस्कान, तुझ में दिखे हमें भगवान, तुझ में दिखे हमें भगवान, तुझ में दिखे हमें भगवान। हाय पिंकी, हाय मिली। क्या रे, इतना लेट कर दिया। मैं क्या करूँ, गाड़ी मिले तब ना। मतलब बात यह है, मैं तो ऐसी वैसी गाड़ी नहीं चलाता ना। आज गैरेज में कोई गाड़ी नहीं थी, ये पापा की शिकार की गाड़ी है, इसमें लॉन्ग ड्राइव का अलग ही मजा है। हाँ कम ऑन, चल तू पीछे जा। हाँ पीछे आ जा, पीछे आ जा, आ जा। एक गाड़ी में तेल तो है ना? है मतलब टैंक फुल है। दीदी, ओ दीदी, अरे अजू बिजू राजू जल्दी आ। अरे बिजू इधर आ जल्दी आ, कुछ। अरे क्या हुआ मामा, क्या हुआ, इतना चिल्ला रहा क्यों रहा? सुनोगी तो नाचती रह जाओगी। अजू की नौकरी की चिट्ठी आ गई है। सच्ची? हाँ, अजू की नौकरी पक्की हो गई। हाँ विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये ले खुल के पढ़। पढ़ पढ़। हमा सच में भैया की नौकरी लग गई। ये देखो, मैं नहीं कह रहा था। चलो भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। माँ ऐसी खुशी की खबर सुनके तुम रो रही हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते, रहने दे सब। ठीक है। लेकिन नौकरी जिसको मिली है वो महाराज कहाँ गए? अरे वो घर पे थोड़ी रहता है, देखो कहीं लाइब्रेरी में बैठा। वो देखो भैया लो आ गया। अरे इधर इधर इधर। क्या हुआ है? समझे बरखुरदार, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। सच में? पढ़ो। माँ भैया को तो नौकरी मिल गई, अब तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे क्या इतनी जल्दी आराम मिलेगा? पहले राजू की पढ़ाई खत्म हो जाए, तुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बाद सोचूंगी। अरे मुझे लेके टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने अपने बारे में सोच लिया है। सोच लिया? हाँ। मतलब? अरे भैया को जो ये नौकरी मिली, हाँ दिन रात फाइलों में डूबा रहेगा, पूरा दिन मेहनत करेगा, लेकिन तनख्वाह कितनी मिलेगी? 50,000 मेन सैलरी, साइड सैलरी TA DA अलाउंस लेकर और 50,000, 1,00,000, और फिर बाएं हाथ से लेने का ख्याल आया तो और 1,00,000। सब मिला के मैं मान लेता हूँ कि महीने में 2,00,000 होंगे, और आज के इस जमाने में 2,00,000 रुपए कितने होते हैं मुझे समझाओ। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं एक नया किस्म का काम करूंगा, रातों रात माला। रुक 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 रुक, समझा नहीं, रातों रात माला माल वो क्या चीज है? टोपी छतरी और लाठी, धंधा है अच्छा राजनीति। पहले काउंसलर बनूंगा, उसके बाद चेयरमैन, फिर MLA बनूंगा, उसके बाद मंत्री, फिर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री। नहीं। क्या हुआ माँ? अगर तुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो सब्जी बेच लेना, लेकिन राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे ठीक है माँ, ठीक है, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा आदेश सर आँखों पर। अगर तुम्हें राजनीति पसंद नहीं तो मैं राजनीति क्यों करूँगा, मैं दूसरी कोई नीति करूंगा। नहीं वैसे मेरे हाथ में एक प्रधानमंत्री बनने की रेखा थी। तुम्हारा बेटा विजय सब्जी क्यों बेचेगा? हाँ तुम्हारा बेटा विजय है BA LLB। तुम्हारा एक बेटा बनेगा वो ऑफिस वाला, और दूसरा बेटा यानी कि मैं बनूंगा। हम है काले कोट वाले।
देखने में बिल्कुल भोले भाले, देखने में बिल्कुल भोले भाले, हम है काले कोट वाले, देखने में बिल्कुल भोले भाले, जूडो नहीं कराटे नहीं कुंग फू नहीं कुश्ती नहीं, हम है केस लड़ने वाले, हम है केस लड़ने वाले, हम है केस लड़ने वाले, हम है काले कोट वाले, हम है काले कोट वाले, देखने में बिल्कुल भोले भाले, देखने में बिल्कुल भोले भाले। करोड़पति हो या हो फकीर, करोड़पति हो या हो फकीर, डराते हम नहीं करे ना खातिर, डराते हम नहीं करे ना खातिर, अपना इलाका है अपनी कचहरी, अपना इलाका है अपनी कचहरी, न्याय दिलाने में हम है माहिर, न्याय दिलाने में हम है माहिर, नेता नहीं हम मंत्री नहीं, वोट की खातिर लड़ते नहीं, हम कानून के हैं रखवाले, हम है केस लड़ने वाले, हम है केस लड़ने वाले, हम है काले कोट वाले, हम है काले कोट वाले, देखने में बिल्कुल भोले भाले, देखने में बिल्कुल भोले भाले। लड़े हम सच्चाई से, केस लड़े हम सच्चाई से, डरते नहीं दादा भाई से, डरते नहीं दादा भाई से, चोरी हो या हो सीना चोरी, चोरी हो या हो सीना चोरी, चलती नहीं यहाँ दादागिरी, चलती नहीं यहाँ दादागिरी, अत्याचारी हत्याकारी हमलाकारी लूट मारी हो जाते यहाँ सब ढीले, हम है केस लड़ने वाले, हम है केस लड़ने वाले, हम है काले कोट वाले, हम है काले कोट वाले, देखने में बिल्कुल भोले भाले, देखने में बिल्कुल भोले भाले। माँ, माँ, अरे तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ। तू जा अजू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। नहीं, तुम दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा। नहीं अजू, ऐसी बातें मत कर, तू जा। तुम्हें क्या लगता है माँ, तुम्हारा चेहरा देखने से कुछ अशुभ होगा? माँ, मैंने तुम्हारा चेहरा देख के ही जीवन की सारी परीक्षाएं पास की है, और तुम्हारा ही चेहरा देखकर मुझे ये आईएएस की नौकरी मिली है, और आज तुम्हारा चेहरा ना देखकर मैं नौकरी ज्वाइन कैसे करूं बोलो? माँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना माँ। माँ, जाना। चलता हूं मां। अरे
एडवोकेट विजय कुमार दास। जी नमस्ते। नमस्ते जी। गंगाधर प्रसाद यहाँ इस नाम का कोई नहीं है? है नहीं हूँ, दरअसल मैं ही हूँ गंगाधर प्रसाद। जहाँ भी नया चेम्बर खुलता है वहाँ पर मेरी जरूरत पड़ती ही है। कितने चेम्बर बंद करवा के आए हैं? अरे ये क्या कह रहे हैं आप, इन्हीं हाथों से न जाने कितने जज बरिस्टर की तरक्की हुई है। मतलब शर्मा जी से शुरू करके वर्मा जी तक, चौबे जी से शुरू करके दुबे जी तक, सभी को इन्हीं हाथों ने सफलता दिलाई है। जब सब जज बैरिस्टर बन जाते हैं चेम्बर अपने आप बंद हो जाता है। आप भी जब जज बैरिस्टर बन जाएंगे आपका चेम्बर भी बंद हो जाएगा। चुप। अरे मेरा चेम्बर अभी तक ठीक से खुला भी नहीं और आप इसे बंद करवाने की सोच रहे हैं? राम राम राम, अजीब आदमी है जी। दरअसल देश को चलाने के लिए अच्छे प्रधानमंत्री की जरूरत है, बताइए जरूरत है कि नहीं? हाँ वो तो है जी। हाँ वैसे ही एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छे कंपाउंडर की जरूरत है कि नहीं? हाँ ये भी ठीक है। अच्छा इसीलिए मैं कह रहा था, अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है तो फिर आपको एक अर्दली चाहिए और वो अर्दली हूँ मैं, मतलब श्री श्री गंगाधर प्रसाद। लेकिन मेरा ये चेम्बर तो एकदम नया है। पता है जी, मुझे तो सब कुछ पता है। अगर पता है तो इतना बोल क्यों रहे हैं? अरे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और गंगाधर प्रसाद के इस चेम्बर में होने का मतलब है केस की लाइन लग जाएगी, जैसे शाहरुख की फिल्म की लाइन लग जाती है ठीक वैसे ही। नमस्ते। आ गया। हाँ। आ गया केस, उससे पहले इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। ये क्या है? वो कुछ नहीं, दरअसल मैं आपके चेम्बर में काम कर रहा हूँ ना, ये उसी का सबूत है और कुछ नहीं, साइन कर दीजिए। अच्छा। नो 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 फ्रेंड्स नो, जो कुछ भी कह लो लेकिन मेरी गाड़ी ले जाने के बारे में मत सोचो। अगर तुम मेरे कहने पर भी ना सुने तो फिर आज से मैं ये गैरेज ही पूरी तरह से बंद कर दूंगा। इसका मतलब है ये तेरा फाइनल डिसीजन है? यस माई फाइनल डिसीजन। तो फिर तू भी मेरा फाइनल डिसीजन सुन ले। अगर तूने ये गैरेज बंद किया तो फिर मैं इस पूरे गैरेज में आग लगा दूंगा। मतलब? अरे मेरे तीस मार खान, लगाओ आग लगाओ। लेकिन तुमने अगर मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दिया तो फिर मैं तुम्हें एक क्यू पांच गाड़ी दूंगा। सवाल पूछो। अच्छा तुम जो इतने सारे लड़कों को गाड़ी में लेकर लड़कियों के पीछे घूमते हो, इसका क्या मतलब है? ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे हो मतलब किसे? हीरोइन। उसका नाम, उसका घर, उसका पता? मुझे नहीं पता। पता नहीं और ढूंढ रहे हो? वो है मेरी अनामिका। इधर आओ, इधर आओ। वो सब बाद में कर लेना। अरे इधर आओ ना। ये देखो ये लड़कियां तुम्हें कैसी लगी बताओ। तुम अजू को लेके इसे देखने जाओगी और मैं विजू को लेके इसे देखने जाऊंगा, पसंद आने पर दोनों की शादी करवा देंगे, ठीक है? नमस्ते। बैठो बैठो। इतनी खामोश क्यों बैठी है समधन जी, कुछ कहिए। मैं क्या कहूँ, आप जैसे एक नामचीन बिजनेसमैन जब अपनी बेटी को हमारे घर भेजना चाहते हैं तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीका छे, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीका छे, मंगलाय तनोहरि। मंगलम पुंडरीका छे, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज। वादा कर तुम आज, वादा कर तुम आज ये वादा, छोड़ोगे ना साथ कभी तुम सजना। वादा कर तुम आज ये वादा, छोड़ोगे ना साथ कभी तुम सजना। रूप तेरा ऐसा चांद हो जैसा, रूप तेरा ऐसा चांद हो जैसा, रूप तेरा करे मुझे कर दीवाना। वादा किया आज मैंने, वादा किया आज मैंने ये वादा, छोड़ूंगी ना सांस कभी मैं सजना। वादा किया आज मैंने ये वादा, छोड़ूंगी ना सांस कभी मैं सजना। तेरा मैं भी हूँ अब तेरी, दिल भी है
वादा कर तुम आज ये वादा, छोड़ोगे ना साथ कभी तुम सजना। चोरी तूने अपना, बाहों में अपने लेके दिल अपना देगे, बाहों में अपने लेके दिल अपना देगे, प्यार मुझे ऐसे ही करते रहना। वादा कर तुम आज ये वादा, छोड़ोगे ना साथ कभी तुम सजना। जैसे सब पा लिया, वादा किया आज मैंने, हो वादा किया आज मैंने ये वादा, छोड़ूंगी ना साथ कभी मैं सजना। वादा कर तुम आज ये वादा, छोड़ोगे ना साथ कभी तुम सजना। चांद हो जैसा, तेरे लिए छोड़ दूंगी सारा ज़माना। वादा कर तुम आज ये वादा, छोड़ोगे ना साथ कभी तुम सजना। वादा किया आज मैंने ये वादा, छोड़ोगे ना साथ कभी तुम सजना। सदा सुहागन रहो, और कितना पैर छुएगी बेटी, लो। इस घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? सुबह उठने पर पेटी देने वाला भी कोई नहीं है। उफ, पता नहीं किस नरक में आ गई हूँ। इस घर में कोई है भी या नहीं? एक कप चाय मिलेगी। मैं देखती हूँ मम्मी। दीदी चाय लीजिए। तू चाय लेकर आई है? और कोई नहीं है क्या? और कौन आएगा? क्यों, इस घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? नहीं। मतलब आईएस होने के बाद भी? सुना है भैया नौकर चाकर रखना पसंद नहीं करते। इतने कम समय में बहुत कुछ जान गई? नहीं, मम्मी ने बताया। अच्छा, तो यहाँ चाय नाश्ता कौन बनाता है? यहाँ कोई चाय नहीं पीता। मैं तो बिना दो कप चाय पिए बाथरूम नहीं जाती। ठीक है, मैं रोज आपकी चाय ले आऊंगी। उषा। हाँ दीदी, मम्मी आ गई है, पैर छूइए। रहने दो बेटी, उठो। तुम लोगों के लिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकी, तुम्हारे लिए और मनी के लिए मैंने ये दो चूड़ियां बनाई हैं। लाओ मैं पहना देती हूँ। क्या हुआ? ये सब मैं नहीं पहनती, या तो सोना और नहीं तो कांच की चूड़ियां ही पहनती हूँ। ये सब पहनती हूँ तो
मुझे एलर्जी हो जाती है। ठीक है, दे दीजिए। मैं इन चूड़ियों को अपने पास हमेशा रखूंगी, लेकिन पहन नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दीदी, आपको मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? सास है तो क्या मैं डर के रहूंगी? ये सब बेकार चूड़ियां पहनने से मुझे एलर्जी होती है। सच बोलने से डरूंगी क्यों? दीदी, आप नहाकर तैयार हो जाइए, हमें मंदिर जाना है। क्यों? मम्मी ने कहा। मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ सोने। मंदिर? अरे ये क्या राजू भाई, ये क्या दिखाने लाए हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ दोस्त? बहुत तो लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर, लेकिन कहाँ एक सिंगल लड़की भी नहीं दिखी। अरे ये सब तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों को मना किया था कि कॉलेज मत आओ। अरे आना था तो आ जाते, लेकिन ऐसा ड्रेस पहन के कौन आता है? ए फ्रेंड, ये हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत को ठेस पहुँचे ऐसी बातें मत करो। अबे अबे इज्जत किसको दिखा रहा है? तुम लोगों ने जिंदगी में कभी कॉलेज देखा है? जिसने आज तक कॉलेज की दहलीज पे कदम नहीं रखा वो आ गया कॉलेज कंपाउंड में। क्या कहा तुमने फ्रेंड? कि मैंने कभी कॉलेज नहीं देखा। अरे फ्रेंड सुनो, इस कॉलेज में मैंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन किस्मत ने साला साथ नहीं दिया। फैमिली का टेंशन पड़िंग, रेंज पकड़िंग। लो कर लो बात। ए पिंकी, एक बहुत झकास गाड़ी है, लॉन्ग ड्राइव में चलना है क्या? लॉन्ग ड्राइव तेरे साथ? नहीं बिल्कुल नहीं। एक लड़की मिली वो भी चली गई। राजू भाई और कोई लाइन में है क्या? तुम लोग रुको, मेरी क्लास तो कैंसिल हो गई है, मैं जाती हूँ। मिल गई, मिल गई मुझे। रुकना, साथ में चलेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती। मिल गई। कौन मिल गई? मेरी अनामिका। कहाँ? मैं चलती हूँ। वो देखो हरी साड़ी में। तू ज्यादा मत सोच। ठीक है। डांस पे डांस। चली गई। अरे चली गई। के डिनर का इंतजाम कहाँ किया गया है? सर अंदर किया गया है। चल बे। चल चल चल। और एक ग्लास यहाँ रखो। अंदर आओ। ये सब खाली क्यों है? चलो दारू डालो, दारू डालो, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे। आप सब कौन है? दूसरे डाइनिंग में जाइए, ये मिनिस्टर पार्टी के लिए रिजर्व्ड है। मिनिस्टर के लिए रिजर्व है? ओए क्या बोल रही है, पता नहीं हम लोग कौन है। तुम लोग मिनिस्टर के आदमी हो या जो भी हो, यहाँ ड्रिंक्स अलाउड नहीं है। तुम लोग बाहर निकलो अभी। अरे तुम गुस्से में तो और भी खूबसूरत लगती हो, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, बकवास नहीं कर रहा मैं, बाय चांस तुम मेरे पहले पैदा हुई हो, नहीं तो जग्गू इस बुढ़िया का मुझे पूरा पता चाहिए, इस थप्पड़ का पूरा हिसाब लेकर रहूंगा। आइए सर, आइए 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 आइए। अरे सुनो शारदा, ये है मंत्री बलवंत राय जी। सर
ये है शारदा जी। इनकी वजह से ही हमारा होटल चल रहा है। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सब बंदोबस्त हो गया है, मैं काउंटर में जाती हूँ। ठीक है ठीक है, आइए सर। ऑटो? हाँ मैडम। जल्दी चलो। हाँ चलिए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कौन हो तुम लोग? तुम यहाँ? माँ तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। पर इन लोगों ने तुम पर क्यों हमला किया था? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है तुम्हारा दुश्मन कौन है। बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो मुझे, ये लोग कौन थे मुझे जानना होगा। ये लोग, ये लोग कौन थे मुझे कैसे पता होगा? माँ तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। बोलो माँ ये लोग कौन थे? विश्वास कर मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं कह सकती, तुझे मेरी कसम मुझसे कुछ मत पूछ, मैं कुछ नहीं बता सकती। माँ क्या मैंने बीजू से सच छुपाकर गलती की है? तुम्हें बताओ मैं उससे कैसे कहती? इतने दिनों तक मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर्फ तुम्हारे बच्चों की भविष्य के बारे में सोचकर। हमेशा कहा है कि बीमारी की वजह से तुम्हारी कुछ भी बोल फ्रेंड, तेरी अनामिका एकदम ब्यूटीफुल है। चांस पे डांस। क्या फ्रेंड सिर्फ मेरी अनामिका को ब्यूटीफुल बोलोगे या फिर कोई गाड़ी भी मिलेगी? फर्स्ट क्लास, लेकिन चाबी? अरे फ्रेंड मुझे चाबी नहीं दोगे? क्या कह रहे हो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। ये लो। अरे वाह फ्रेंड, चाबी तो मिल गई, गाड़ी कहाँ है? लुक योर बैक। हाय पूजा। हाय। आओ मैं तुमको घर तक छोड़ देता हूँ, कम ऑन। नहीं थैंक यू, मेरी बस आने वाली है, मैं उसी में चली जाऊंगी। बस में क्यों जाओगी, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगे? अरे तकलीफ की क्या बात, उस दिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी है, कम ऑन। बैठो। यू नो पूजा, आई डोंट लाइक दिस कार। क्यों? अरे कार चलानी है तो इंपोर्टेड कार चलाओ, उसकी बात ही अलग है। मैंने पापा से कहा, पापा ने कहा बी इंडियन एंड बाय इंडियन। शिट। उन्होंने ठीक ही कहा। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वैसे वैसे हम तो घर जा रहे, घर जाने से पहले क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पे चले। तुम कहाँ रहते हो? बहुत दूर, मतलब टाउन से थोड़ी सी दूर है, इसलिए मैं हर रोज कार ड्राइव करके आता हूँ। मुझे अपने घर ले चलोगे? हाँ। तुम मेरे घर जाना चाहती हो? हाँ।
अच्छा ठीक है, अंदर नहीं जाएंगे पर बाहर से ही दिखा देना। मैं तो फंस गया, कहाँ जाऊँ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आज चलते हैं, घर चलते हैं। हे भगवान, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, इसे कौन से घर लेके जाऊँ? एक घर दिखा दे भगवान, एक घर दिखा दे भगवान। यहाँ क्यों रोक दी? मेरा घर? तुम्हारा घर? हाँ, कौन सा? ये रहा। ये तुम्हारा घर? हाँ। है तो चलो। तुमने कहा तुमको बाहर से देखना है। इतनी दूर तक आए हैं और अंदर भी नहीं जाएंगे। मर गया मैं तो, अब क्या करूं? चलो। चलना है तुम्हें? हाँ चलो। चलो। Hey! कोई है क्या करते? कोई नहीं है साहब। चाय मिलेगी दो कप? हाँ हाँ, जाओ जाके गेट बंद करो। गेट बंद करने को कहा। उतरो उतरो, आओ गाड़ी में बैठ के। hey! दो कप चाय। रख दो। ये क्या है? दीदी कॉलेज से आके जूस पीती हैं। अरे क्या हुआ? अरे बैठो। ये तुम्हारा घर है? नहीं, मेरे मौसा जी का घर है, वो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। ओ, तो तुम? मेरे हॉस्टल का खर्चा उठाना मेरे पापा के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। अरे बैठो ना। राजू, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, वो नई गाड़ी, लॉन्ग ड्राइव, सब कुछ। फिर भी तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, एक अच्छे क्रिकेटर हो, तुम तो हमारे कॉलेज का गौरव हो। लेकिन तुम्हारा ये हर बात पे झूठ बोलना मुझे जरा भी नहीं पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे साधारण, सरल, मतलब इनोसेंट, सिंपल। सिंपल मतलब सिंपल? ओह, सिंपल। हाँ हाँ, सिंपल लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये कौन है? क्या हुआ, तुम्हें भी किसी ने मारा है? आप विजयदास हैं? ये मारने का केस तो नहीं है। आपने कभी पेचीदा केस मुफ्त में सॉल्व किया है? मुफ्त में हो जाएगा इसीलिए चली आई, पर तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम शादीशुदा हो। बैठिए। क्या हुआ है? समाज के एक पावरफुल और अमीर आदमी के खिलाफ आप लड़ पाएंगे? बताइए, लड़ पाएंगे? अमीर आदमी? एडवोकेट विजयदास को खरीदने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, और पावर, शहर में वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन कोर्ट में मेरे ऊपर किसी का पावर न चला है न चलेगा। लेकिन उसका पावर इतना ज्यादा है कि पुलिस ने भी उसके खिलाफ एफआईआर लिखने से मना कर दिया। दो चार वकील के पास भी गई थी, उन्होंने भी ये केस लड़ने से मना कर दिया। आप सिर्फ मुझे उसका नाम बताइए। रंजीत बलवंत राय, मंत्री परशुराम बलवंत राय का बेटा। क्या हुआ, डर गए? मुझे पता है उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। केस क्या है बताइए। लेकिन आपको आग से खेलना पड़ेगा। पहले केस तो बताइए। कितने पैसे लेंगे? केस क्या है बताइए। बलात्कार, एक लड़की का परशुराम बलवंत राय के बेटे रंजीत बलवंत राय ने बलात्कार किया है। वो लड़की कौन है? वो लड़की और कोई नहीं, मैं हूँ। ओ भाई, ये राजू को क्या हो गया? अभी देख रे, ओ ये क्या हालत बना ली है इसने, कैसे कपड़े पहने हैं इसने, शर्ट पैंट बड़े बड़े। पूजा? हाँ?
तुम लोग हंस क्यों रही हो? राजू ये सब क्या है? सिंपल। मैं सिंपल नहीं दिख रहा? सिंपल। हाँ, तुमने तो उस दिन कहा कि तुमको सिंपल लड़के पसंद है। सिंपल। हाँ सिंपल, मैंने कहा था मुझे सिंपलिसिटी पसंद है। छलावा, हिपोक्रेसी, झूठा दिखावा, ये सब पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, कैसे हो, फिर भी मैं उसी राजू को पसंद करती हूँ। क्या कहा? मैं राजू को पसंद करती हूँ। फिर से एक बार। मैं राजू से प्यार करती हूँ। अब फिर से एक बार। मैं राजू से प्यार करती हूँ। और एक बार। मैं राजू से प्यार करती हूँ। सच में? हाँ। अरे निकाल दे कि देश में कायदा कानून सही है तो फिर टोली बोलेगी सही है, खाक सही है। सर मैं कह रहा था कि रंजीत जी अगर कोर्ट में सरेंडर कर देते तो अच्छा होता, आप क्या कहते हैं एसपी साहब? सरेंडर कर दे तो अच्छा है।
कहा हमारा लड़का कोर्ट में जाकर क्या कहेगा? हमारा लड़का कहेगा हम बलवंत राय के बेटे हैं, मैं गुनहगार हूँ, मैं दोषी हूँ, मुझे हथकड़ी पहनाओ, मुझे फांसी दो। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। कोर्ट से वो सीधा जेल जाएगा और वहाँ तो पूरा आराम है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, ये सब मैं भेज दूंगा। मुझे लगता है सर हमारी ऑपोजिशन पार्टी की ये साजिश है। ऑपोजिशन पार्टी? ये हो सकता है सर। यहाँ कायदा कानून का क्या हाल है? आप चिंता मत कीजिए, आप कुछ पैसे खर्च कीजिए, बेल मैं करवा दूंगा। ओहो, अरे भाई मेरे, पहले खोजो 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 वो वकील कौन है जिसने ये केस लिया है। जाओ जाओ जाओ, उसे जैसे भी हो शाम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी हो उसे समझाओ। जाओ जाओ। बस बस हो गया। 1,00,000 है। एक बलात्कार के आरोपी के केस को छोड़ने के लिए सिर्फ 1,00,000? अगर आपको 1,00,000 कम लगता है तो आप अपनी कीमत बोलिए, भेज देंगे। गेट आउट, आई से गेट आउट। एडवोकेट विजय दास बिकाऊ नहीं है। सुनो, ये पैसे लेकर किसी और वकील को दे दो जो मेरे खिलाफ कोर्ट में लड़ेगा। आउट। माँ, माँ। हाँ, क्या हुआ? ये लो माँ, इस महीने की सैलरी। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोसती। ठीक है, ठीक है। अजी सुनते हो? हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे क्यों? ओहो, मुझे पैसे चाहिए तो इसके लिए क्या मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा? अरे बाबा, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जब जो चाहिए माँ से मांग लेना। कैसे अजीब आदमी है, पैसे मुझे चाहिए तो मैं तुमसे पैसे नहीं मांगकर तुम्हारी माँ से मांगू? देखो, माँ ही ये घर संभालती है, वो इस परिवार का भला बुरा समझती है, संभालती भी है, इसलिए हर महीने की सैलरी मैं माँ को दे देता हूँ और मुझे जब चाहिए मैं माँ से मांग लेता हूँ। माँ से मांग लेता हूँ? अरे बाबा, वो तुम्हारी माँ है, तुम मांगोगे तो वो दे देंगी, लेकिन वो तो मेरी माँ नहीं है। जो मैं उनसे पैसे मांगू और वो दे दे, वो है मेरी सास। और सास कभी माँ नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती, और सास कभी माँ नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। उषा, what's wrong with you? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, दुनिया में जो देखा है वही कह रही हूँ। नहीं उषा, दुनिया की सारी माँ से मेरी माँ अलग है। अलग है? मैं कह देती हूँ, कल शाम तक मुझे पैसे चाहिए। हर बार की तरह इस महीने की सैलरी भी मैंने माँ को दे दी, तुम माँ से मांग लेना। माँ को पैसे क्यों दिए? उनकी उम्र हो गई है, उन्हें रेस्ट चाहिए, और इसके अलावा माँ के बाद इस घर में बड़ी तो मैं ही हूँ, परिवार मुझे ही चलाना है। सुनो, इसके बाद तनख्वाह लाकर मुझे ही देना। अरे हमें हमारी आने वाली संतान के बारे में भी तो सोचना है। लो ये पैसे रखो। पैसे? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, मैं तुम्हें इस परिवार की जिम्मेदारी देकर अब मैं आराम करना चाहती हूँ। यहां तक कि अपनी तनख्वाह भी मैं तुम्हें दे दूंगी। माँ? हाँ हाँ अजू, कल तेरे पापा की पुण्यतिथि है, कल तू ऑफिस से छुट्टी ले लेना। हाय बेटी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नहीं नहीं, आप अकेले मत आइएगा, मम्मी को साथ लाइएगा। अरे मम्मी नहीं गई तो मैं जा पाऊंगा? मैंने अपने सारे फ्रेंड से भी कह दिया है। ओह वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके बाय। किससे बात कर रही थी उषा? पापा से बात कर रही थी, वो लोग आज आने वाले हैं। दैट्स ग्रेट, मैं भी तो तुम्हें यही बताने आया था कि तुम अपने मम्मी डैडी को इनवाइट कर सकती हो, क्योंकि आज पापा की पुण्यतिथि है। वो लोग किसी की पुण्यतिथि पर नहीं आ रहे, वो लोग अपनी बेटी के जन्मदिन पर आ रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं, मेरी सहेलियां भी आ रही हैं। पर आज
आज तो पापा की पुण्यतिथि है। ओफ हो, तुम्हें बस मरे हुए का दिन याद है, किसी का जन्मदिन भी है, इसे याद रखने की जरूरत ही क्या है? मरे हुए का दिन नहीं उषा, आज मेरे पापा की पुण्यतिथि है। कल शाम को जब माँ ने तुम्हारे हाथ में पैसे दिए थे, तब उन्होंने इसके बारे में भी तुम्हें बताया था, तुम्हें तो याद रहना चाहिए। तो फिर मेरा जन्मदिन? तुम्हारा जन्मदिन कल भी मनाया जा सकता है, लेकिन शादी के बाद आज पापा की पहली पुण्यतिथि है। माँ ने कहा है कि घर में ही पूजा होगी, और इस पूजा में बड़ी बहू होने के नाते तुम भी शामिल रहोगी। घर में? घर में क्यों? मैंने तो सुना है तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध हर साल मंदिर में किया जाता है। तुमने जो सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन घर में बहुएं लाने के बाद मुझे मंदिर में करने की इच्छा नहीं है। लेकिन मेरा जन्मदिन? वो भी मुझे पता है, हिंदू धर्म के मुताबिक ये सब तिथि नक्षत्र देख के ही किया जाता है, और तुम्हारा जन्मदिन तो अभी 15 दिन बाद है। मेरा जन्मदिन तो हर साल डेट के अनुसार ही होता है, इसीलिए तो मम्मी डैडी और दोस्तों को बुला लिया। अब मैं क्या करूँ? आने दो, ये तो अच्छी बात है। इस घर में जो खाना बनेगा सब वही खाएंगे। इसका मतलब इस घर में मेरी कोई आजादी नहीं, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, और तो अपनी इच्छा से अपना जन्मदिन भी मना नहीं सकती। मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगी, वो भी आप तय करेंगी। उषा, डैडी, मम्मी। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? देख, तेरे बर्थडे केक के साथ तेरे डैडी तेरे लिए एक नेकलेस लेकर आए हैं, देख ना। नहीं मम्मी, मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। आज मेरे पापा की पुण्यतिथि है, इसीलिए माँ ने कहा कि उषा का जन्मदिन बाद में मनाया जाएगा। आज इसके जन्मदिन पे आपने इसे रुला दिया शारदा जी? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप सब बैठिए ना, मैं मंदिर में सारा बंदोबस्त करके आती हूँ। अजू, तुम इन लोगों के साथ रहो, मैं आती हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते। उषा ऊपर है, जाओ ना। ओहो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम यहाँ खड़ी हो। क्यों, आज गाड़ी में बिठाने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिला? गाड़ी? गाड़ी कहाँ है? जिस दिन तुमने मुझे सिंपल बनने को कहा, उसके बाद से मैंने गाड़ी की स्टीयरिंग तक नहीं पकड़ी। अब से सिर्फ अब से सिर्फ इस साइकिल का हैंडल ही देख रहा हूँ, और कभी कुछ जरूरत पड़ी तो फिर दो चक्का, नहीं वैसा कुछ नहीं, मतलब कभी कभी, अब सिर्फ सिंपली साइकिल, हैंडल और पैडल। पूजा, अरे क्या हुआ तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं है मतलब? अरे मैं सच कह रहा हूँ, अरे इसी बीच हमारे घर में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, इसलिए नहीं आ पाया मैं। नहीं, तुम्हारी कसम नहीं, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ, अरे मैं सच कह रहा हूँ पूजा, मैंने किसी लड़की से बात भी नहीं की, मैंने देखा तक नहीं, अरे मैं सच कह रहा हूँ पूजा। अरे रुक जाओ पूजा, पूजा पूजा। तेरा गोरा गोरा मुखड़ा गोरिया चुराए निंदिया, तेरे होठ की लाली गोरिया चुराए निंदिया, तेरी प्यार भरी बातें दिल को लगे अच्छी, ये अपनी मुलाकातें मुझको लगे अच्छी, प्यार ने तेरे पिया पागल कर दिया, चुराए निंदिया, तेरा गोरा गोरा मुखड़ा गोरिया चुराए निंदिया, तेरे होठ की लाली गोरिया चुराए निंदिया।
तेरे लिए गोरी, हाँ तेरे लिए गोरी, काहे को चुराया दिल, काहे किया चोरी। हंसना गोरी मटकना गोरी, हंसना गोरी मटकना गोरी, तेरी मस्त मस्त चाल ने दिल ले लिया, चुराए निंदिया। तेरा गोरा गोरा मुखरा गोरिया, चुराए निंदिया। तेरे होठ की लाली गोरिया, चुराए निंदिया। उषा दास आईएएस ऑफिसर की वाइफ। याद रहे खाना A1 होना चाहिए, और अगर खाने में कमी हुई तो फिर कल ही हेल्थ ऑफिसर को बुलाकर रेस्टोरेंट को बंद करवा दूंगी। ऑर्डर लिखो, 4 बटर नान, 1 चिली चिकन, गार्लिक चिकन, पनीर बटर मसाला, सलाद और स्वीट, जल्दी। अरे उषा देख तो, क्या ये तेरी सास है ना? अरे हाँ, वो तो सच में उषा की सास है। घर में तो सफेद साड़ी पहनती है, जैसे कि कितने सीधी सादी है, और यहाँ होटल में रंगीन साड़ी पहन के दिल बहला रही है। देख देख, अगर ऐसे कपड़े नहीं पहन के आएंगी तो ये होटल कैसे चलेगा? ठीक कहा तूने, वरना होटल चलेगा कैसे? मैडम, क्या हुआ? वहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ अपने दोस्तों के साथ बैठी है, काइंडली जरा देखिएगा। यार यहाँ का मुझे खाना बहुत पसंद है। अरे तुम सब उषा के साथ आई हो, खाने का ऑर्डर हो गया? सबसे बेस्ट है खाना। जिस होटल में विधवा पराए मर्दों के लिए सज धज कर घूमती हो, उस होटल में खाऊं? ऐसी घटिया जगह पर खाने से तो अच्छा है मैं फुटपाथ से खरीद कर खा लूं। ए, उठ चल। उषा उषा मेरी बात सुनो, तुम लोग ऐसे क्यों जा रही हो? उषा इस घर में मैं एक पल नहीं रहूंगी। क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताइए ऐसे क्यों कर रही हैं आप? मेरा इस घर में कोई नहीं, ना मुझे किसी को कुछ कहना है, ना किसी का कुछ सुनना है। दीदी आप इस वक्त कहाँ जाएंगी? इस घर से मैं अभी चली जाऊंगी। दीदी दीदी सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए दीदी। अरे रुक जाइए ना। अरे भाभी क्या हुआ, ये सूटकेस लेके कहाँ जा रही है? दीदी घर छोड़कर जा रही है। घर छोड़कर? क्यों भाभी, कोई परेशानी है या फिर किसने कुछ कहा आपसे? मुझसे सवाल मत करो, मुझे जाने दो। अरे नहीं भाभी, आप ऐसे नहीं जा सकती, क्या हुआ बताइए।
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बहू रानी? इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? मामा आप जरा समझाइए ना, भैया आप भी जरा समझाइए ना, मेरी बात तो सुन नहीं रही। पता नहीं इतनी रात को सूटकेस लेके भाभी कहाँ चली जा रही है, मेरे पूछने पर कुछ बता नहीं रही। तुम्हें क्या हुआ है बहू रानी? इसके अलावा घर में अजू नहीं है, तुम्हारी सासू माँ नहीं है, और वैसे भी इतनी रात गए, तुम अगर घर छोड़कर चली गई तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? इस तरह घर छोड़कर चले जाना सही नहीं होगा बहू रानी। इस बारे में मुझे कोई पराया कुछ कहे, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी तुम किसे पराया कह रही हो? मैं अपने घर के लोगों के अलावा बाकी सभी को पराया ही मानती हूँ। इसका मतलब है तुम हमारे नीताई मामा को पराया समझती हो? नहीं भाभी, तुम्हें पता नहीं, ये पराये नहीं है, ये हमारे अपने हैं। तुम्हारे पति जो आज आईएएस बने हैं उसकी वजह ये है, आज जो मैं वकील बन के यहाँ खड़ा हूँ उसकी भी वजह ये है, ये घर जो आज एक परिवार बना है वो सिर्फ मामा की वजह से। नहीं भाभी तुम दोबारा कभी ऐसी बातें मत करना। उषा, उषा दीदी देखो देखो उषा बहू रानी घर छोड़कर जा रही है। उषा क्या ये सच है? ये सूट किस देकर आपको समझ नहीं आ रहा? बेटी तुम्हें घर छोड़ने की क्या जरूरत है? ये सवाल आप मुझसे ना पूछकर अपने आप से पूछती तो ज्यादा अच्छा होता। तुम गुस्से में हो, मुझे गलत समझ रही हो, इसीलिए अभी तुम्हें कुछ समझाना सही नहीं होगा। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। भाभी क्या देखा तुमने, क्या देखा? मुझे तो ये सब बताने में भी शर्म आ रही है। भाभी चिल्लाओ मत, जिस माँ को देवी समझकर अपने सर पे बिठा रखा है, पूछो उन्हीं से उनके कितने रूप है। इस घर में सीधी सादी विधवा बनकर रहने वाली ये औरत होटल में नौकरी के नाम पे सज धज के कितने लोगों का दिल बहलाती है, पूछो इन्हीं से। भाभी बीजू रुक क्यों गए? मारो मारो, मारते क्यों नहीं? सच हमेशा कड़वा ही होता है। तुम्हें बर्दाश्त कैसे होगा? क्या हो क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं, मैंने सच कह दिया तो तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, मारा नहीं। हाँ भैया मैंने हाथ उठाया है, मुझसे गलती हुई है और इसीलिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और अगर तू कहेगा तो भाभी के पैर भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन भाभी से ये बात पूछ कि इन्होंने माँ को क्या कहा है, कैसे बात की है, कैसे अपमान किया है। पूछ कौन इस तरह से अपनी सास से बात करती है, क्या कोई अपनी माँ का अपमान सह सकता है? बोल भैया बोल। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम में स्वाभिमान नहीं है पर मुझ में है, और तुम्हारे जैसे इंसान के माफी मांगने से या ना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने माँ को क्या कहा है? कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई, जो अपनी आँखों से देखा है वही बात कही है। तुम्हारी माँ होटल में विधवा की सफेद साड़ी के बजाय रंगीन साड़ी पहनकर तितली की तरह इस पुल उस पुल मंडराती रहती है। उषा तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम इस घर की बहू हो और बहू होने के नाते सास का कैसे सम्मान किया जाता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। बहू, I hate that word। जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में रहने से तो अच्छा है मैं उस घर को छोड़कर चली जाऊं। मेरे जीते जी मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। बहू बहू अजू जाओ उसको लेकर आओ, जाओ बेटा। इतनी रात को अगर वो अपनी मायके चली गई, उसके घर वाले क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? जा जा उसे लेकर आ। मुझे किसी की बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम कहो माँ उषा ने जो कुछ भी कहा सब झूठ है। बोलो माँ तुम बोलो, भाभी ने जो कहा झूठ है, तुम बोलो माँ। बोलो माँ बोलो, ये सब झूठ है, ये सरासर झूठ है। बोलो माँ ये सब झूठ है, ये सरासर झूठ है। बोलो माँ। हाँ माँ बोलो ना माँ, भाभी ने जो कहा झूठ है, बोलो बोलो ना। बोलो बोलो माँ। उषा ने जो कहा वो सच है। सब सच है।
निताई मामा, और कोई ना सही, आप तो बोलिए कि माँ ने जो कहा सब झूठ है। नहीं, झूठ नहीं है, सच है मामा। उषा बहुरानी जो कुछ भी कहकर गई है सब कुछ सच है। तो तुम लोग क्या करोगे? अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दोगे या उनसे नफरत करोगे? हाँ, क्या सोच रहे हो? बाहर सर उठा के जी नहीं सकोगे? नहीं, वाह, धन्य हो तुम सब लोग। हाँ, उषा बहुरानी ने जो कुछ भी कहा है सब सच है, लेकिन इसके पीछे भी एक और सच है। अरे, वो तो पराए घर की बेटी है, उसकी आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन तुम लोग तो उस मां के बेटे हो ना। उसका अपना खून तुम्हारी आंखों में भी पर्दे पड़ गए। किसी ने भी, तुम में से किसी ने भी वो पर्दा उठाने की कोशिश नहीं की। राजू पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त तुम दोनों बहुत छोटे थे। तुम्हारे पिता कैंसर से बिना इलाज के समय से पहले चले गए। उस समय सहारा देने वाला कोई नहीं था। तुम्हारी मां ने रात के अंधेरे में गांव छोड़कर किसी मंदिर के सामने राजू को जन्म दिया था। हाथ में एक भी पैसा नहीं था। बिचारी ने कितनी तकलीफ सहकर कैसे उसने तुम लोगों की जान बचाई, ये सिर्फ वो ही जानती है। अचानक उसके साथ एक दिन प्लेटफॉर्म में मुलाकात हो गई। भगवान की कृपा से उसे एक नौकरी भी मिल गई। लेकिन रिसेप्शनिस्ट के जॉब में आपका ये विधवा का वेश? नहीं, मैं आपको सिंदूर पहनने के लिए नहीं कह रहा, मतलब सफेद साड़ी छोड़कर, रंगीन साड़ी, मतलब स्मार्ट, ग्लैमरस। इज इट पॉसिबल? सोच क्या रही है सारदा? ना जाने तुझे और कितनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने के लिए ये छोटा सा त्याग तो तुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूँ। क्या हुआ बोलो? तुम लोगों को पालने के लिए, तुम लोगों को दो वक्त का खाना देने के लिए, अरे तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी हंसी लाने के लिए, अगर उसने सफेद साड़ी छोड़कर एक रंग बिरंगी साड़ी पहन भी ली तो क्या उसने कोई पाप किया था, गलती की थी या गुनाह किया था? ठीक है, उसकी इस गलती के लिए उसे क्या सजा देनी है? दो, कौन सी सजा देने से तुम्हारा झुका हुआ सर ऊंचा हो जाएगा, बताओ। नहीं नीता मामा, नहीं, चुप हो जाइए और कुछ मत बोलिए। हम लोगों से गलती हो गई है। किसी के सामने सर नहीं झुकाना होगा, पूरी दुनिया से चीख चीख कर कहेंगे, ऐसी मां और कहां मिलेगी। विजू, राजू, चल मां के पास चलते हैं। जा, चल। मां, 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 हमसे गलती हो गई है मां, तुम हमें मारो। मुझे माफ कर दो माँ, हम लोगों से गलती हो गई है, भाभी की बातों में आकर। नहीं माँ, नहीं माँ, हमें माफ कर दो माँ। माँ, तुम तो मेरी अच्छी माँ हो, तुम्हें तकलीफ हुई है ना? मुझे क्यों तकलीफ होगी? हाँ, नहीं नहीं माँ, अगर तुम्हें तकलीफ नहीं हुई होती तो तुम यहाँ आकर नहीं बैठती माँ। तुम लोग मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ, बहू ने एक बात क्या कह दी? तुम लोगों को क्या लगता है मैं टूट गई? पूरी जिंदगी मैं अकेली सबसे लड़ती रही। कितने दुख दर्द, कितनी तकलीफें सही है। अच्छा, जा बेटा, जाकर उषा को वापस लेकर आ। नहीं माँ, मैं उसे लाने नहीं जाऊंगा। ओह, ठीक है, फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। माँ, अरे ट्रेन 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 घंटी मारे चाले ले बिजुरिया चट्टी हिले दाएं बाएं लचके ले कमरिया। घर में कोई नहीं है क्या? नमस्ते, आप बैठिए, मैं माजी को बुलाता हूँ। माजी, अज्जू साहब की माँ आई हैं।
कौन? शारदा देवी। नमस्ते। आप यहाँ क्यों आई हैं? बहू को लेने आई हूँ। आपकी बहू बहू यहाँ कोई नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं? उषा मेरी बड़ी बहू है। नहीं, अब वो आपकी बहू नहीं है, वो मेरी बेटी है, सुमन चौधरी की बेटी, मिस उषा चौधरी। आप कृपया करके ऐसा मत कहिए। किस हक से आप यहाँ आई हैं? रात के अंधेरे में अपने बेटे से मार खिला के इस घर में भेज दिया। मेरी उषा पर आपने जुल्म किया है, आपने उस पर टॉर्चर किया है। मैं आपके नाम पर केस करूंगी। नहीं नहीं दीदी, आपने गलत समझा है। उषा के साथ तो मैंने कभी गुस्से से भी बात नहीं की। ये सब बच्चों की गलत फहमी है। हम लोग माता पिता होकर अगर गलती नहीं सुधारेंगे तो उन लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपके बारे में मैं सब जान चुकी हूँ। सिर्फ आपके बेटे को देखकर मैंने उषा की शादी करवाई थी, आपकी होटल की नौकरी देखकर नहीं। उषा अब उस घर में कभी नहीं जाएगी। ये सब बातें मत कहिए दीदी, मेरी कोई बेटी नहीं है। उषा को मैं अपनी बेटी जैसी मानती हूँ। अगर उसे मेरी किसी भी बात से बुरा लगा है तो मैं खुद उससे माफी मांगूंगी। मेरे साथ उषा को जाने दीजिए, नहीं तो समाज मेरे बारे में क्या कहेगा। नहीं, वो हरगिज नहीं जाएगी, क्योंकि आप तो खुद ही पति और पत्नी के बीच में दीवार बनकर खड़ी हैं। अरे भाई, वो दोनों पति पत्नी हैं, घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे, उसके लिए इतने नियम कानून की क्या जरूरत है? सुन लीजिए, उषा अगर जाएगी तो वो जाएगी अजू के क्वार्टर में या किराए के मकान में, आपके घर में नहीं। लेकिन अजू को कोई क्वार्टर नहीं मिला और किराए का घर इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा? ये फैसला आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अगर मेरे फैसले पे वो राजी नहीं हुआ तो फिर मेरा आखिरी फैसला सुन लीजिए। मैंने सारे कागजात तैयार रखे हैं, उषा अपने पति को तलाक देगी। नहीं नहीं संधि जी, नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप घर का बंदोबस्त कीजिए, अजू को मैं भेज दूंगी। माँ, माँ, तुम मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो माँ। मैं तुम्हें छोड़कर, राजू जी को छोड़कर कहीं नहीं रह सकता हूँ माँ। तुम लोगों को छोड़कर मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, बोलो माँ। पत्ता जहाँ भी गिरा हो वो पेड़ से ही जुड़ा होता है। हाथी जंगल में रहता है फिर भी राजा है। मैं माँ होकर तुम सबकी भलाई चाहती हूँ। माँ देख अजू, दूर रहने से प्यार स्नेह और बढ़ जाता है, गहरा होता है। और फिर तू तो ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, अपने क्वार्टर में जा रहा है। विजू, विजू, कम से कम तू तो माँ को समझा। माँ मेरी बात नहीं सुन रही है, माँ मुझे क्या कह रही है पता है? मुझे घर से चले जाने के लिए कह रही है, कह रही है कि मैं क्वार्टर में जाके उषा के साथ रहूं। विजू प्लीज, विजू माँ को जरा समझाना प्लीज। विजू तू ऐसे चुपचाप खड़ा क्यों है? अरे ये क्या कहेगा, तुझसे पहले इस घर में सबको सब कुछ समझ में आ गया है। तू जिद मत कर, चला जा, जा। विजू प्लीज। भैया आज मेरा कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट केस है, मुझे अभी निकलना है। विजू, विजू, राजू, राजू, तो तेरा भी यही फैसला है? हाँ, अब तू भी बोल, तुझे भी आज जल्दी कॉलेज जाना है? नहीं भैया, वो क्या है, मेरे 5 अटेंडेंस कम है, मुझे जैसे भी हो कॉलेज जाना ही पड़ेगा। राजू, राजू, माँ, माँ, माँ से बड़ा ना कोई अपना जग में नहीं कुछ तेरे बिना। आंचल में तेरे प्यार ही प्यार, आँखों में सारा संसार, जन्म दिया हमें तूने, जीना सिखाया माँ तूने, घर का उजाला माँ तू ही,
सबका सहारा माँ तू ही, ममता भरी है तेरी मुस्कान, तुझ में दिखे हमें भगवान, तुझ में दिखे हमें भगवान। योर ऑनर, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जिनके हाथ में पावर और पैसा है, उन लोगों ने या उनके रिश्तेदारों ने महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार को अय्याशी का जरिया बना लिया है, और उनकी नजरों में एक नारी की इस समाज में कोई इज्जत नहीं। आज के इस केस के आरोपी रंजीत बलवंत राय, ये भी एक पावरफुल नेता के बेटे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मंत्री जी को इस केस में घसीट कर उन्हें बदनाम करने के लिए मेरे ये काबिल दोस्त ये सब कह रहे हैं। सॉरी योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने शायद मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। अभी तक मैंने उस मंत्री का नाम इस कोर्ट में नहीं लिया है, और उन्हें नीचा दिखाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। मैं सिर्फ इस कोर्ट को ये बताना चाहता हूँ कि ये आरोपी एक जाने माने नेता के बेटे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू कैन प्रोसीड मिस्टर दास। ऑब्लाइज्ड योर ऑनर, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके जैसे आवारा लड़के इस समाज में एक काला धब्बा है, जो बाप के पैसे उड़ाकर मस्ती करते हैं, अय्याशी करते हैं, जो इस समाज के नियमों को अपनी मर्जी से तोड़ते हैं। इन्हें कानूनी तरीके से सबक सिखाना बहुत जरूरी है योर ऑनर। आरोपी रंजीत बलवंत राय ने मेरी क्लाइंट अर्चना दास पर जुल्म किया है, नशे की हालत में इनका बलात्कार किया है, इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसीलिए इंडियन पिनल कोड के अनुसार दफा 326 के तहत आरोपी को कसूरवार मानते हुए सजा देने के लिए मैं महामान्य कोर्ट से दरखास्त करता हूं। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। Now you can carry on with your argument, Mr. Mishra. Your Honor, मेरे काबिल दोस्त Mr. Das फिल्मी स्टाइल में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। शायद उन्हें नहीं पता होगा कि इस वक्त आरोपी को कसूरवार ठहराकर सजा देने का वक्त नहीं है। फिलहाल मेरे क्लाइंट Mr. रंजीत बलवंत राय को बेल दी जाएगी कि नहीं, इस बारे में आर्ग्यूमेंट है। Your Honor, इस केस के मामले में पुलिस के पास कोई FIR नहीं है, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है। सिर्फ एक लड़की की बातों पर यकीन करके मेरे मौकिल को गिरफ्तार किया गया है, ये तो सरासर अन्याय है। योन, मैं मानता हूँ कि रंजीत बलवंत राय मंत्री जी के बेटे हैं, लेकिन इस वक्त वो मंत्री जी के बेटे नहीं हैं। योन, मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे मंत्री बलवंत राय जी ने रंजीत को त्याग दिया है। मतलब उन्होंने इसे त्याग दिया ना? अब मेरा सवाल है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर इसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया होता तो इनके पिता माननीय मंत्री महोदय इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाते? इससे साफ साफ पता चलता है कि आरोपी ने ऐसे घिनौने काम पहले भी किए हैं। नो योर ऑनर, रंजीत बहुत ही गुस्से वाला लड़का है, हर दिन शराब पीता है, शराब पीने के लिए बड़े बड़े होटलों में जाता है, अय्याशी करता है। इसी कारण उनके पिताजी ने गुस्से में 5 साल पहले ही उन्हें घर से निकाल दिया। मेरी कोर्ट से बस यही गुजारिश है योर ऑनर कि रंजीत के खिलाफ पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। माय लॉर्ड, इसलिए मेरे मौकिल को बेल मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बलात्कार के केस में दोषी साबित नहीं होने की वजह से और कोर्ट के पास पूरा सबूत नहीं होने की वजह से मौजूदा सूरत हाल में रंजीत राय की जमानत मंजूर की जाती है। नथिंग टू बी वरीड। अच्छा, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने दवाइयां लिख दी है, कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएंगी। लाइए, मुझे दीजिए। चलिए। माँ। माँ, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा ज्यादा चिंता करने की वजह से ये सब हुआ है, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं था। क्यों, क्या हुआ? और क्या होगा, माँ यहाँ इस हाल में पड़ी है और वहां मेरा केस। तुम केस हार गए? अरे नहीं नहीं, हारा नहीं, लेकिन समझ ले कि एक जंग शुरू हो गई है। किसके साथ? किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं, मंत्री परशुराम बलवंत राय के साथ। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे और उसके बेटे को अगर मैंने सलाखों के पीछे नहीं भेजा तो मेरा नाम भी विजय नहीं। हाँ? नहीं,
तू वो केस छोड़ दे उस शैतान के साथ। नहीं केस? कौन सा केस? अरे नहीं तो मैंने सब सुना है, जैसे भी हो वो सब बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं, वे बहुत पावरफुल लोग हैं। उनके साथ लड़कर हमें क्या मिलेगा? क्यों, तुम क्या सोचती हो तुम्हारा ये बेटा केस हार जाएगा? नहीं माँ नहीं। अरे माँ तुम्हारा आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा रहता है, देखना ईमानदारी के रास्ते पे चल के मैं जरूर ये केस जीत जाऊंगा। माँ मैं ये केस जरूर जीतूंगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिस्टर ने खुद ही दिया है, कैंसिल नहीं हो पाएगा। मैनेजर साहब जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है सर मैडम की प्रेगनेंसी को आधार बनाकर उनका ट्रांसफर रोका नहीं जा सकता। अगर माँ के इलाज को जरिया बनाकर कुछ किया जा सकता तो शायद कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर रोका जा सकता है। हाँ आपने सही कहा। अच्छा अजू तुम अपनी माँ को लेकर कुछ दिन फ्लैट में रहो। विजू। अरे भैया नमस्ते, बैठो। ए राजू। हाँ अरे भैया माँ भैया आए हैं। माँ अजू रहने दे उठ। माँ क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कितनी कमजोर हो गई हो। किसने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब जरूरत थी तब तो एक बार भी नहीं आया, अब माँ से पूछने का क्या फायदा। बीजू सच बोलने में दिक्कत क्या है माँ, फोन करने से नहीं उठाता, विकास के हाथों चिट्ठी भेजी कि तुम बीमार हो, उस वक्त भी भैया भाभी को एक बार भी आने का वक्त नहीं मिला। अरे सरकारी नौकरी करता है, कितनी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के साथ अपने माँ और भाई की खबर रखना भी जरूरी है। तुम लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए माँ ने ही तुमको क्वार्टर में रहने के लिए कहा था ना, और तुम माँ को भी भूल गए। आज मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। क्यों, माँ को क्यों साथ ले जाओगे? इस उम्र में माँ का पूरा मेडिकल चेकअप होना चाहिए। अरे मुझे क्या हुआ है कि तू इतना परेशान है, डॉक्टर देख कर गए हैं, उन्होंने दवाइयाँ दी है, मैं खा रही हूँ। बेकार में तू डॉक्टर को दिखा कर क्यों पैसा बर्बाद करेगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो इसीलिए तुम मेरे साथ जाने के लिए इनकार कर रही हो। अरे मैं क्यों गुस्सा करूंगी, क्या मुझे तेरी परेशानी के बारे में नहीं मालूम। अब तो मेरा जाने का वक्त हो गया है, तुम सब खुश रहो मैं उसी में खुश हूँ। ठीक है तुम मेरे साथ जाओगी कि नहीं जाओगी ये बताओ। अच्छा ठीक है जाऊंगी। नहीं माँ तुम वहाँ क्यों जाओगी, फिर से अगर कुछ। कुछ दिन के लिए जाऊंगी, उसमें हर्ज ही क्या है, जब मैंने इससे कहा है जाऊंगी तो जाऊंगी। मैंने तुझे मना किया था ना, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बेकार में ये सब करके पैसा बर्बाद किया। तो क्या हुआ, पूरा चेकअप तो हो गया। योर ऑनर अब मामला क्लियर हो चुका है, मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने क्यों FIR दर्ज नहीं की और डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट को किसने बदल दिया था। योर ऑनर यह है उन रिपोर्ट्स की कॉपी। इस केस का असली और आखिरी पर्दा उसी दिन उठेगा योर ऑनर जिस दिन मैं चश्मदीद गवाह आई विटनेस को इस कोर्ट में पेश करूंगा। यानी जब यह वाकया हुआ तो किसी ने देखा था। देखा था योर ऑनर, इस वाकया का आई विटनेस जरूर है, लेकिन उस आई विटनेस को इस कोर्ट में पेश करने के लिए मुझे 15 दिन का समय देने के लिए मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ। कोर्ट आज यहीं पे मुलतवी किया जाता है, अगली 27 तारीख को इस केस पे सुनवाई होगी। ओह अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है, वो आई विटनेस कौन है जरा ढूंढ के निकाल। ठीक है अगर तुमने वो आई विटनेस कौन है ये नहीं बताया तो फिर मुझे शायद सुइसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो फिर बोलो बोलो वो आई विटनेस कौन है, बोलो टेल मी। उस दिन अरे क्या हुआ, पता नहीं उतर के देखता हूं, पता नहीं क्या हुआ। ओहो
देखा दीदी, पेट्रोल ही खत्म हो गया। तुम इधर ही बैठो, मैं देखता हूँ कहाँ पेट्रोल मिलता है। कहीं जाना मत। नहीं। अब बताइए विजय जी, मेरे लिए अपनी माँ को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? मैं जानती हूँ आप नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। अब केस की हार जीत आपके हाथों में है। माँ, अब तो खुश हो ना, पड़ गई दिल को ठंडक। इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें तो मैनेजर साहब ने कहा था तुम्हारी माँ की बीमारी का एक रिप्रेजेंटेशन दे देते तो तुम्हारा तबादला रुक जाता। 200-400 किसी डॉक्टर को देकर एक झूठा सर्टिफिकेट ले आते तो क्या होता? समझने की कोशिश करो, सिर्फ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलता, मेडिकल चेकअप की ओरिजिनल रिपोर्ट भी हर जगह साथ देनी जरूरी है। तो तू अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए मुझे ले जाकर टेस्ट करवा रहा था? नहीं, मतलब बात यह है कि मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस हालत में उषा नहीं जाना चाहती। इसके अलावा मंत्री ने खुद ऑर्डर दिया है, इसलिए। कौन से मंत्री? हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री परशुराम बलवंत राय। नमस्ते सर। क्या हुआ मैनेजर साहब? ट्रांसफर रुक सकता है मैडम, मगर आपको खुद मंत्री जी से जाकर मिलना होगा। क्या बहू जाएगी मंत्री से मिलने? नहीं, बहू वहाँ नहीं जाएगी। हाँ मैं जाऊंगी, आप जाइए, मैं कल ही उनसे मिलूंगी। तब मैं चलता हूँ, नमस्ते। उषा मेरी बात सुनो, तुम वहाँ बिल्कुल मत जाओ, बल्कि तुम लोगों के लिए मैं वहाँ जाऊंगी। आपको सुनाई नहीं देता मैनेजर साहब ने क्या कहा? मुझे ही जाना होगा। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी। मेरे पति के तबादले के लिए, मेरी खुशी के लिए मैं जरूर जाऊंगी। मना करने वाली आप कौन है? उषा। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। रहने दे। अच्छा बिजू, इतनी रात को यहाँ? मुझे तुमसे एक बात जाननी है। कौन सी बात? तुमने उस दिन मुझे केस लड़ने से मना क्यों किया था? किस दिन? कौन सा केस? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना? सुनो माँ, तुम्हारी याददाश्त पर तुम्हारे इस बेटे का फ्यूचर टिका हुआ है। तू कहना क्या चाहता है? एक मासूम लड़की का बलात्कार हुआ है और सबूतों की कमी से अपराधी बाइज्जत बरी होने वाला है, और वो केस लड़ रहा है एडवोकेट विजय दास, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बीजू। माँ लेकिन सबूत के बिना तो जीतेगा कैसे? है, मेरे पास सबूत है, एक आई विटनेस, एक चश्मदीद गवाह है, लेकिन वो कोर्ट में गवाही देने से डर रही है, क्योंकि उसे भरे कोर्ट में मंत्री परशुराम बलवंत राय के बेटे रंजीत के खिलाफ गवाही देनी होगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो डर क्यों रही है। मुझे ये सब कह के क्या फायदा? मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे अलावा और कौन मदद करेगा माँ? हाँ माँ, तुम ही हो इस केस की आई विटनेस, चश्मदीद गवाह। हाँ तुम। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगी। अर्चना माँ, मतलब जिस मासूम लड़की का बलात्कार हुआ है, अगर वो लड़की तुम्हारी अपनी सगी बेटी होती तो तुम क्या चुप रह सकती थी? माँ बोलो मुझे। माँ माँ, तुम क्यों चुप हो? बोलो माँ, बोलो माँ, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारे अपने 3-3 बेटे हैं। मैं कल निताई मामा को भेजूंगा, तुम उनके साथ आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। नहीं, आप कल कोर्ट नहीं जाएंगी। भाभी, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी माँ की गवाही से मंत्री का बेटा हार जाएगा और तुम इस केस को जीत जाओगे?
नहीं, कभी नहीं। और अगर तुम्हारी माँ ने गवाही दी तो तुम्हारे बड़े भाई की नौकरी चली जाएगी। माँ, मैं कल कोर्ट में इंतजार करूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं कल आपको इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। माँ, वकील की जिंदगी से अगर एक केस चला गया तो उसे दूसरा केस मिल जाएगा, लेकिन एक नौकरी चली गई तो जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करना। घर का उजाला माँ तो ही, सबका सहारा माँ तो ही, ममता भरी है तेरी मुस्कान, तुझ में दिखे, तुझ में दिखे हमें भगवान, तुझ में दिखे, तुझ में दिखे, तुझ में दिखे हमें भगवान। हेलो, योर ऑनर, इस केस की चश्मदीद गवाह यानी कि आई विटनेस को कोर्ट में मैं पेश करने की अनुमति चाहता हूं, और वो आई विटनेस हैं शारदा देवी। शारदा देवी को कोर्ट में पेश किया जाए। शारदा देवी हाजिर हूं। मैं गीता पे हाथ रखकर कहती हूं, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, शारदा देवी एडवोकेट विजयदास की मां है, इसलिए वो इनका इस्तेमाल करके कानून को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक वकील की मां होने के नाते वो किसी केस में गवाही नहीं दे सकती, ऐसा कोई कानून हमारे देश में है ये तो मुझे पता नहीं था। योर ऑनर, यू प्रोसीड मिस्टर दास। ऑब्लाइज्ड योर ऑनर। आपका नाम? शारदा देवी। शारदा देवी, आप इस महामान्य अदालत को बताइए, इस बलात्कार की शिकार मेरी क्लाइंट अर्चना दास को आपने पहले कहीं देखा है? बोलिए, आपने कब, कहां, किस हालात में देखा है? शारदा देवी बोलिए, बोलिए, आप चुप क्यों हैं? कहिए, आपने जो भी देखा है निडर होकर कहिए। आपने गीता पर हाथ रखे कसम खाई है, बोलिए। ये देखिए, ये है अर्चना, यही बलात्कार की शिकार मासूम अर्चना है, और ये है अपराधी रंजीत राय, रंजीत बलवंत राय। उस दिन ऑटो खराब होने के बाद आपने जंगल की तरफ से एक चीख सुनी थी, और चीख सुनकर आप उस तरफ भाग कर गई थी, और वहां जाकर आपने देखा ये लड़का इस लड़की को जंगल में छोड़कर भाग रहा है, आपने ही इसे संभाला था। बोलिए शारदा देवी, बोलिए, आप है चश्मदीद गवाह, आप है आई विटनेस, बोलिए शारदा देवी, आपको बोलना ही होगा, बोलिए, बोलिए शारदा देवी। ऐसा अन्याय आप मत कीजिए, इस बलात्कार को आपने अपनी आंखों से देखा था, आप है इस केस की आई विटनेस, बोलिए शारदा देवी, बोलिए, बोलिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, इस केस को लेकर मैं कुछ नहीं कह सकती। योर ऑनर, देखा आपने, मेरे काबिल दोस्त अपनी माँ को गवाह के रूप में लाने के बावजूद वो कोर्ट में झूठी गवाही नहीं दे पाई, क्योंकि इन्होंने गीता छू के कसम खाई थी। बहरहाल रंजीत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मेरे क्लाइंट रंजीत बलवंत राय को बाइज्जत बरी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। सबूत पूरे न होने की वजह से मुलजिम रंजीत राय को निर्दोष घोषित किया जा रहा है। अरे भैया, बाहर आइए, बाहर आइए भैया। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों झूठ कहा? तुम तो वही माँ हो ना
जिसने मुझे सिखाया था कि सच बोलने से कभी डरना मत, सच के लिए जान देना भी मंजूर है। माँ तुम, माँ 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 मेरी बात तो सुनो, माँ मेरी बात सुनो, माँ माँ मेरी बात नहीं सुनोगी, माँ माँ सुनो तो, माँ माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, पर मेरा मन कह रहा है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात है। बलवंत राय, बलवंत राय, तेरी बात मानकर कोर्ट में झूठी गवाही देकर मैंने तेरे बेटे को छुड़वा दिया। मैंने तेरी बात मान ली, अब मेरी बहू और बेटे को छोड़ दे। हम जानते थे, हमको मालूम रहा कि तुम हमारी बात जरूर मानोगी, पर जल्दबाजी का है, है ना? तुम्हारा लड़का और भौरानी बहुत मजे में है। अरे इसके लड़के और भौरानी को जरा दिखा दे, दिखा दे। अजू, नहीं, उषा, अजू, नहीं बलवंत राय, देख बलवंत राय, तेरे बेटे को बचाने के लिए मैंने आज कोर्ट में गीता पर हाथ रख के झूठ कहा कि तू मेरे बेटे को छोड़ देगा। उसी झूठ से आज तेरा बेटा आजाद है, लेकिन मेरे एक बेटे को आज हारना पड़ा। उस दुख से मैं पत्थर बन गई हूँ। अब तू मेरे बेटे बहू को छोड़ दे, उन्हें तू छोड़ दे बलवंत राय, मेरे बेटे और बहू को छोड़ दे बलवंत राय। राम 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 वचंद्र, सत्य के पथ पर चलते हुए 14 साल के लिए वनवास चले गए। सत्य के पथ पर चलते हुए यम 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 ने राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ छीन लिया। इस कलयुग में अपने बेटे और बहुरानी को बचाने के लिए तुमने गीता पे हाथ रख के कसम खाई। मैं तुम्हारे बेटे बहू को छोड़ दूंगा, लेकिन लेकिन कायदा कानून सही है कि नहीं मुझे तो देखना पड़ेगा ना। डैड, आपका बेटा जेल से वापस आ गया है। अब आप उस वकील बाबू को खबर भेज दीजिए कि सारे नियम कानून को ठीक से पढ़ ले। पहले ये कायदा कानून ठीक करो। ठीक है डैड, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। पहले मैं इस कानून के साथ थोड़ा खेल लूं। रंजीत, यहाँ चिल्लाना मना है। शारदा देवी, तुम्हें याद है जिस दिन होटल में तुमने मुझे थप्पड़ मारा था? मैंने उस दिन कहा था ना, उस थप्पड़ का बदला मैं एक ना एक दिन जरूर लूंगा। और आज वो मौका मुझे मिल गया है। ये सब क्या हो रहा है बलवंत राय? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं क्या कह रहा था कि वो तुमने आज कोर्ट में झूठी गवाही दे दी। अब अगर बेटे बहुरानी को वापस पाने के बाद पलट गई तो इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम यहीं पे रह जाओ। भोजन पानी बिस्तरे का यहाँ पूरा प्रबंध है। नहीं बलवंत राय, मैं सच कह रही हूँ, इन दोनों को छोड़ दो, मैं अपने परिवार के साथ शहर छोड़ दूंगी, तेरे खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। मेरे अजू और बहू को छोड़ दे, मेरे बेटे और बहू को छोड़ दे। उषा, छोड़ इसे, मेरी बहू को छोड़ दे। इन दोनों को बचाने के लिए मैंने कोर्ट में झूठ बोला, इन लोगों के लिए तुझे आज आजादी मिली। छोड़ दे इन दोनों को, तू जो कहेगा मैं करूंगी। छोड़ दे इन्हें, छोड़ छोड़ इन दोनों को, छोड़।
बलवंत रॉय, मेरे बेटे और बहू को छोड़, मैं तेरे बेटे को अभी मार दूंगी। अरे अरे, उतारो उतारो उनको, उतारो, उतार जल्दी उतार। उषा, तूने ये क्या कर दिया बेटी? अजू, उषा, ये क्या हो गया तुम? उषा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? उषा, ये तूने क्या किया बेटी? क्यों किया तूने ऐसा? वकील साहब, वकील साहब, कायदा कानून सही है। मुझे मालूम था तुम कोर्ट से सीधे यहाँ आओ, इसलिए तुम्हारे स्वागत के लिए फूलमाला तैयार रखी है। वकील साहब के लिए फूलमाला लाओ, लाओ, जल्दी लाओ। अरे वकील साहब, आपके कानून में हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमारे कानून कायदे में सिर्फ जीत है, जीत जीत जीत। सही है। अरे का हो गया, खून 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 खराब हो गया। सत्यम मास्टर, सत्यम मास्टर, सत्यम मास्टर की बीबी। तूने क्या सोचा था? हमारा कायदा कानून तोड़ के हमारे इलाके में आके मेरे बेटे को बलात्कार के केस में फंसा देगी? नहीं। उस दिन तो तू जान से बच गई थी, पर आज नहीं। 22 साल पहले अगर मैंने तुझे मौत के घाट उतार दिया होता तो मेरी ये दुर्दशा कभी नहीं होती। माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? उठो। Thank you.
अरे वकील साहब खोलो, जल्दी खोलो, हाँ खोलो, मेरे साथ चलो। अरे बचने, अरे ये ले। शोधा की तरह पालना, जरूरत पड़े तो माँ दुर्गा की तरह तुम लोगों की रक्षा करना। नहीं, मुझे छोड़ दे। उठ, उठ बलवंत राय। छोड़ दे, छोड़ दे। राय, 22 साल पहले तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। गलती हो गई। ये बात मैंने अभी तक मेरे बेटों को नहीं बताई। माफ कर दे। क्योंकि क्योंकि मैं तुझसे बदला लेना नहीं चाहती थी, लेकिन लेकिन आज आ,
छोड़ दे नहीं। आज फिर से तूने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, नहीं। मेरी बहू को छूने की कोशिश की, मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश की, नहीं। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं। तेरी सांसें मैं तुझसे हमेशा के लिए छीन लूंगी, नहीं। नहीं। शारदा देवी पहचान रही हैं। मैं जिस वक्त बलभद्रपुर में हेडमास्टर था, सत्य मेरे सहकारी थे। ये है मेरी बेटी पूजा, आपके बेटे राजू के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती है। तुझ में दिखे हमें भगवान, तुझ में दिखे